मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करने का काम श्रीराम फाइनेंस कंपनी कर रही है। इसके लिए कंपनी छात्रवृत्ति योजना चलाकर अपने ग्राहकों और ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े लोगों के बच्चों को आगे की पढ़ाई में मदद कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाकर गरीब माता पिताओं का बोझ हल्का किया है। इस कार्यक्रम में 30 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के स्टेट हेड सूरज सरावगी, शाखा प्रबंधक अंकित द्विवेदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी रिजवान जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। छात्र पवन सिंह ने बताया कि अच्छे मार्क्स आने पर स्कॉलरशिप दी गई है। इस योजना को काफी वक्त से चलाया जा रहा है, जिससे कई बच्चों को लाभ मिला है। सर, यहाँ स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चल रहा था। मैं 8th में था उस साल, तो मैंने अच्छा मार्क्स लाया था, तो उस मतलब मेरे ज़्यादा मार्क्स आए थे, 60% से ऊपर मेरे मार्क्स आए थे, तो मैंने यहाँ आवेदन लगाया तो स्कॉलरशिप मिली। और ये स्कॉलरशिप कई वर्षों से चल रही है। इस स्कॉलरशिप के तहत कई बच्चों को लाभ हुआ है। और कंपनी अधिकारी के मुताबिक 3 वर्ष से इस ब्रांच का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत उमरिया में 30 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित किया गया। हमारे लिए मतलब बहुत ही बड़ा दिन है, सौभाग्य का दिन है कि लगभग 3 वर्ष पूरे हुए हमारे उमरिया ब्रांच को खोले हुए, और ये हमारे आज का दिन मतलब हमारे उमरिया ब्रांच का स्थापना माह भी है। इसी महीने में हमारे लगभग 2017 में हमारे ब्रांच की ओपनिंग हुई थी, तो उसी के तहत हमारा जो एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो पैन इंडिया में चल रहा है, उसी के तहत आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उमरिया के सभागार में हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा था, जिसके अंतर्गत हमने 30 बच्चों को, जिसमें से 16 बच्चों को 5,000 रुपये और 14 बच्चों को 3,500 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र देकर उनको प्रोत्साहित किया। ये एक्चुअल में हम उस वर्ग को सपोर्ट करते हैं। एक हमारा जैसे हमारी हमने बताया कि आप जानते हैं कि हमारा ये फाइनेंस कंपनी है, तो हमारे कस्टमर और जो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए लोग हो गए, तो एक्चुअल में हमारी जो एक सामाजिक जो जिम्मेदारी बनती है, उसी के तहत हम स्कॉलरशिप इन बच्चों को देते हैं। ये लगभग हम 2011 से देते आ रहे हैं, और हमारा लगभग आज 4th साल है हम उमरिया में जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखे हैं। कंपनी के एक और अधिकारी की माने तो कंपनी के ग्राहक और ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े लोगों के बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी ने हायर एजुकेशन के लिए भी एक योजना शुरू की है। कंपनी का यही लक्ष्य है कि ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े लोगों के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर पाए। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हम लोग सन 2011 से कर रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, और ऑल इंडिया हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। हर वर्ष हम लोग करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑल इंडिया स्कॉलरशिप देते हैं। इसमें हम लोग जो ड्राइवर ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हमारे कस्टमर्स हैं, बाहर के कस्टमर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। सो 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। अभी हम लोगों ने इस साल कंपनी ने एक और आगे भी हायर एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम चालू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग 12वीं और 10वीं कक्षा में जो बच्चे 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, उनको हम लोग हायर एजुकेशन के लिए ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, इन सब अगर एजुकेशन के लिए वो लोग एनरोलमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे उनको स्कॉलरशिप देंगे। और इसमें जो 10वीं कक्षा के बाद ITI डिप्लोमा में है, उसमें 15,000 रुपये वार्षिक, और 12वीं कक्षा के बाद इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में है तो 35,000 रुपये वार्षिक, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आज हमने उमरिया जिले में के जो बच्चे हैं हमारे, जिन्होंने पिछले वर्ष भी 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए थे, इस वर्ष भी उन्होंने जो मार्क्स लेके आए 60%, उन बच्चों को आज हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप वितरित की है, और उनके भविष्य की उज्ज्वल कामना करते हैं। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का यही एक लक्ष्य है कि इस लाइन से जुड़े हुए हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए ड्राइवर्स हैं, उनके बच्चों को हम लोग उनके आगे की शिक्षा के लिए हम लोग उनको मदद कर पाए। देखा जाए तो जहां कंपनी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं इससे बच्चों के भविष्य भी उज्ज्वल दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उमरिया।